हेलो एवरीवन, वेलकम टू सपनास फूड वर्ल्ड। मैं सपना लोढ़ा। फ्रेंड्स, आज हमारे सपनास फूड वर्ल्ड चैनल को 2 साल कंप्लीट हुए हैं, तो सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप सभी को मेरी रेसिपीज पसंद आती होगी, तो आप इसी तरह से मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें भी नई नई रेसिपीज देने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, आज इसी मौके पे मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही चटपटी और डिलीशियस इंडो चाइनीज स्टाइल रेसिपी, यानी वेज शेजवान मंचूरियन। इसे होटल स्टाइल कैसे बनाते हैं, इसके लिए आइए रेसिपी के लिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले एक परफेक्ट मंचूरियन बॉल्स कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। अब यहाँ पर एक बाउल में हम लेंगे 1 कप फाइन चॉप पत्ता गोभी, 1/2 कप फाइन चॉप गाजर, 1/2 कप फाइन चॉप फंसी यानी फ्रेंच बीन्स, ये ना हो तो आप शिमला मिर्च भी ले सकते हैं, 2 टेबलस्पून हरा प्याज और 2 टेबलस्पून हरा धनिया, जिसे मैंने फाइन चॉप कर लिया है। अब इसमें मिलाएंगे 1 टीस्पून अदरक की पेस्ट, 2 टेबलस्पून लहसुन की पेस्ट, 1 टीस्पून हरी मिर्च पेस्ट, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, स्वादानुसार नमक, पिंच डालेंगे शक्कर, 1/4 टीस्पून डालेंगे सफ़ेद या काली मिर्च की पाउडर, 1 टेबलस्पून डालेंगे बटर, इससे जो मंचूरियन है वो एकदम क्रिस्पी बनेंगे, और इन सभी को हम हल्के हाथों से मिक्स कर ले लेंगे। इस मिश्रण को हमें ज़्यादा नहीं मिक्स करना है, बस लाइटली मिक्स करना है। अब इसमें मिलाएंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर यानी कॉर्नस्टार्च और 1 टेबलस्पून मैदा। कॉर्नफ्लोर और मैदा का ये जो प्रोपोर्शन है वो 2:1 है, और जितना मैदा या कॉर्नफ्लोर हमें लगे हम इसमें धीरे धीरे ऐड करते जाएंगे, और इसे हम मसल कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जियों को अच्छे से मसलने से सब्जियों से पानी निकलेगा और मिश्रण अच्छे से बाइंड होगा, तो मुझे इसके लिए 6 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 3 टेबलस्पून मैदा लगा है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमें बाइंडिंग चाहिए, मंचूरियन के बॉल्स हम अच्छे से बना सके इतना ही हम कॉर्नफ्लोर या मैदा ऐड करेंगे। अब इसके हम बॉल्स बनाकर ले लेते हैं, हमें इस तरह से इसके बॉल्स बनाकर ले लेने हैं। तो यहाँ पर हमने सभी बॉल्स को तैयार कर लिया है। दूसरी ओर हमारा तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है, तो अब हम सभी मंचूरियन बॉल्स को फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि इसे हम 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे, और इसके बाद हम इसे मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर ले लेंगे। हमें इसे दोबारा फ्राई करना है, इसलिए हम पहली बार इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। तो मंचूरियन बॉल्स हमारे फ्राई होकर तैयार हैं, तो इसे हम निकाल कर ले लेते हैं। सभी मंचूरियन को फ्राई करने के बाद 10 मिनट रेस्ट देंगे, और इसे दोबारा हम फ्लैश फ्राइंग कर लेंगे। तो इसके लिए हमें तेल को फिर से अच्छे से गर्म कर लेना है, और सभी मंचूरियन बॉल्स को हम इसमें छोड़ देंगे, और बस कुछ ही सेकेंड के लिए हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मंचूरियन बॉल्स बनकर तैयार है। बाहर से एकदम करारे और अंदर से सॉफ्ट ऐसे बॉल्स बने हैं, तो एकदम परफेक्ट बॉल्स बनकर तैयार हैं। अब हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो इस रेसिपी में हम जो शेजवान सॉस यूज़ करने वाले हैं वो होममेड है, जिसे घर पर बनाना बहुत आसान है, और इसकी रेसिपी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप वहाँ पर ज़रूर चेक करिएगा। तो यहाँ पर पैन को गर्म करने के बाद इसमें हम मिलाएँगे 2 टेबलस्पून ऑयल, फिर इसमें मिलाएंगे 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, बारीक कटा हुआ प्याज और 1 से 2 स्लिट हरी मिर्च। इसे हमें हाई फ्लेम पर ही अच्छे से मिक्स करना है। फ्रेंड्स, ये शेजवान मंचूरियन ज़्यादा ग्रेवी वाले नहीं होते हैं, थोड़े से ड्राई ही होते हैं। तो अब इसमें हम मिलाएंगे 1/4 कप होममेड शेजवान सॉस। अब दूसरी ओर एक बाउल में लेंगे 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 1 टीस्पून व्हाइट विनेगर, पिंच नमक, पिंच शक्कर, 1 टीस्पून लेंगे डार्क सोया सॉस, पिंच काली मिर्च या सफ़ेद मिर्च की पाउडर, इसे हम अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे, और इस मसालों को हम इस ग्रेवी में मिलाएंगे।
अब इसमें मिलाएंगे 1 टीस्पून हरी मिर्च की पेस्ट और इन सभी को हम अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। अब ऊपर से मिलाएंगे थोड़ा सा हरा प्याज और थोड़ा सा गर्म पानी और इसे हम अच्छे से कुक करके ले लेंगे। यहाँ पर दूसरी ओर हम कॉर्नफ्लोर की स्लरी बनाकर ले लेते हैं। इसके लिए एक बाउल में 1 टीस्पून लेंगे कॉर्नफ्लोर, फिर इसमें मिलाएंगे 3 से 4 टेबलस्पून पानी और इसे हम अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे और इस स्लरी को हम इस ग्रेवी में ऐड करते जाएंगे। हम इसमें 1 से 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर की स्लरी ऐड करेंगे और इसे फिर से हम 1 से 2 मिनट के लिए कुक करके ले लेंगे। अब गैस की फ्लेम को हम बंद करेंगे और सभी मंचूरियन बॉल्स को इसमें ऐड कर देंगे और इसे टॉस करके ले लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने टेम्पटिंग और डिलीशियस मंचूरियन बॉल्स बनकर तैयार हैं। फ्रेंड्स, हम रेस्टोरेंट में ब्लैक या ब्राउन वाले मंचूरियन तो हमेशा ही खाते हैं, पर ये जो शेजवान वाला वर्जन है ये बहुत ही बढ़िया लगता है, तो इसे एक बार तो ज़रूर बनाइएगा। तो देर किस बात की है, इसे बनाइए और एंजॉय कीजिए। और ऐसे ही नई नई रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन पर भी प्रेस करना ना भूलिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी।